हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। वेलकम बैक फॉर यू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टीमस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसका मुखड़ा है, जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि निर्मल भंगू जेल से बाहर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर सुनाने से पहले दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। आपकी बोरियत के लिए इसमें छोटा सा एंटरटेनमेंट भी छुपा है, जी हाँ दोस्तों, वह भी आपको वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त निर्मल भंगू एक लंबी अवधि से, यहाँ दोस्तों कई सालों से, 6-7 साल से ज़्यादा हो चुके, और वो जेल के अंदर इस वक्त भी बंद हैं। सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि इसके अपोजिट सहारा, जी हाँ दोस्तों, सहारा कंपनी पर भी इससे पहले रेड लगी थी। जी हाँ दोस्तों, सेवा विभाग ने उस पर रेड लगाई थी और सहारा सुब्रत राय को 1 वर्ष की कैद हुई थी, जी हाँ दोस्तों, और वो पैरोल से बाहर आ गए थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा सुब्रत राय की इकाइयों में जो उनके प्लान थे, वो 1 से अधिक इकाइयों में गड़बड़ियां पाई गईं, जबकि पीएसएल मैटर पर उनसे कम गड़बड़ियां थी। लेकिन दोस्तों, निर्मल भंगू आज भी जेल के अंदर पड़े हैं, ले और सहारा सुब्रत राय ये मात्र 1 साल कुछ महीने की अवधि के बाद ही जेल से बाहर पैरोल पर आ गए थे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त निर्मल भंगू जेल से बाहर आने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, निर्मल भंगू की बेटी और दामाद एक लंबी अवधि से जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनकी बेल के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। अब उनको जल्द ही बेल मिलने वाली है और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों, निर्मल भंगू बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इस वक्त भंगू जेल में है और एक जख्मी शेर की तरह। जी हाँ दोस्तों, अब आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ आगे बता दें कि जख्मी शेर की तरह भंगू गुर्राटे निकाल रहे हैं, और निर्मल भंगू का कहना है, जी हाँ दोस्तों, जो उनकी गुर्राटे वहां पर निकल रही हैं, उन गुर्राटों में कुछ हमने उनको शुद्ध हिंदी में विश्लेषण करने का, आप तक पहुंचाने का एक स्टाइल बनाया है। तो दोस्तों सुनिए, वो इस वक्त जो उनकी जेल में आवाजें टकरा रही हैं, क्या वो बड़बड़ा रहे हैं, क्या गुरगुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओ मैनू यूएनए की अदालत में मैनू बेटी और दामाद ने केस दर्ज करा लिए हैं, बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो मैनू क्या यही कसूर है, मैनू रियल इस्टेट के नाम पर पूरे इंडिया के कोने कोने के गड्ढे डेवलपमेंट कराए, एक एक गड्ढा ढूंढ ढूंढ कर मैनू भरा। ओ मैनू इंडिया दी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, ओ खेती लेक बनाया, ओ तुसी इंडिया के नक्शे बिच देख लो। अब उनकी कुछ आवाज़ें और गुर्राहटें यहाँ पर उभरने लगी हैं और कह रहे हैं, ओ मैनू इंडिया के नक्शे बिच देख लो, मैंने उबड़ खाबड़ जमीनों को अपनी आधुनिक मशीनों द्वारा लोगों के रहने सहने के वास्ते गड्ढे भरवा के मैंने शहर बनवाए, मैनू फ्लैट बनवाए। ओ मैनू की कसूर था, 1982 में कमजोर वर्ग को 5 साल का प्लान डेवलप कराएगी। ओ मैनू की कसूर था, मैनू 5 साल की अवधि में लोगों दे पैसे डबल कराए। ओ मैनू की कसूर था, ओ मैनू एक भी निवेशक का पैसा नहीं मारा। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। ओ मैनू क्लोजिंग हर साल देकर एक एक अपने एजेंट का TDS अपने साथ जमा कराया। देशभक्ति भाव से मैंने इस देश की सेवा की,
अब मैं 42 साल बाद अवैध रूप से धन जुटाने वाला बन गया, ओ मैनू की कसूर था। ओ ये महायव है मीडिया वाले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ मीडिया वाले को उन्होंने खद्दी सी गाली दी। ओ यानी माधी फुदी सालों ने मेरे नाल रिश्तेदारों आतंकवादियों दो जोड़ दिया रे। अरे मैनू इन आतंकवादियों नाल रिश्ता जोड़ दिया, ओ मैनू की कसूर था। आज मैं जेल में बंद हूं तो मैनू आतंकवादियों के रिश्तेदार बढ़ा दिए। मीडिया वालों तुम मेरा छोड़ दे गाणी, तुम मर जाओ दे। वो 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों का पैसा सरकार डगारो बैठी है और मैनू जमीनों पर कब्जा करो बैठी है। मैंने कारोबार पर कब्जा कर लिया, मैंने खातों को सील कर दिया। ओ मैनू की कसूर था, मैनू जेल बिच डाल दिया। ओ मुझे जेल बिच डाल दिया, मैनू की कसूर था। अब मैंने एक एक को देख लेना है दोस्तों। स्वर कुछ और उभरे, कुछ और उभरे। ओ मैंने एक एक को दूध का दूध और पानी का पानी न करके दिखा दिया। मेरा नाम निर्मल बंगो नहीं, और इनको इन भी बाघ वालों को एक एक को निर्मल भंगू ने देख लेना है। मैंने दूध वाला नहीं जो इनको चटी का दूध याद ना दिला दिया दोस्तों। कुछ इस तरह की बुदबुदाहटें जेल की दीवारों से टकरा रही हैं, और निर्मल भंगू इस वक्त जेल से बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी निर्मल भंगू जेल से बाहर आने वाले हैं, और अब एक नया अध्याय। जी हाँ दोस्तों, PSEL का नया अध्याय फिर खुलेगा, और देखेंगे कि निवेशकों का पैसा निर्मल भंगू के हाथों से मिलता है या सेबी की लोढ़ा कमेटी के हाथों से। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने खड़ा है दोस्तों। देखना है कि निर्मल भंगू को बेल से बाहर लाया जाता है या गवर्नमेंट इसको जेल में ही सड़ाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने इसलिए खड़ा है क्योंकि बहुराष्ट्रीय के मालिक सारा सुब्रत राय भी थे, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक भंगू भी थे। सारा सुब्रत राय भी सेवी केस में, यहाँ दोस्तों, 1 वर्ष कुछ महीने की जेल से बाहर बेल पर आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, क्या कारण है कि अभी तक निर्मल बंगू को ना बेल मिली और ना किसी तरह का उनको इस वक्त बाहर आने का बेल दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्दी निर्मल गंगू भी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे जी हाँ दोस्तों, सारा सुब्रत राय की, कि सारा सुब्रत राय रसूख में बड़े हैं तो उन्हें कम अवधि में ही बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, निर्मल भंगू ईमानदार है तो उसको आजीवन कारावास बना दिया। ये बड़ा सवाल दोस्तों एक रहस्य की तरह हमारे दिमाग में घूमता है दोस्तों। इसके बीच वाली कड़ी जो काल्पनिक हमने आपको इंटरटेनमेंट के लिए करी, वो आपको कैसी लगी इसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पैसे मिलने की कोई अच्छी अपडेट नहीं आती, तब तक कुछ ऐसी ही रोचक स्टोरियों के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।